नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 का एग्जांपल नंबर 9 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 8 तक देख लेते हैं, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि इवेलुएट कर रहा है 1065 अपॉन में कॉट 25। तो दोस्तों देखिए, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। कैसे है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, इस पर इसको ऐड कीजिए। देखिए दोस्तों, 65 और 25 को ऐड यदि करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, इसका मतलब क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, जिसको मन करे, इसको या इसको। ठीक है, हमारे लिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो 1065 को क्या ले सकते हैं बताइए, इसको ले सकते हैं 1090 माइनस 25 ले सकते हैं। 1090 में से 25 माइनस करेंगे क्या, 65 हो जाएगा अपॉन में, ये एज इट इज हो जाएगा कॉट 25। ओके दोस्तों, फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। याद रखिएगा कि 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए, कंपैरिजन कीजिए, 10 का 10 है ब्रैकेट 90 माइनस तो 90 माइनस के बाद जो होता है वो थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 25 डिग्री है। 1090 माइनस थीटा, थीटा कितना है 25। तो 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा का जब कितना है 25 डिग्री अपॉन में कॉट 25 डिग्री। ये सेम है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, ये दोस्तों इसका आंसर होगा। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। देखिए 10 नंबर एग्जांपल सुन लो, ये दिया गया कि इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एक्यूट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले गिवन लिखिए, यहाँ पे गिवन साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है, a का। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कॉस है और यहाँ पे क्या है साइन। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सेम रेशियो में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ये कॉस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस में ही चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस साइन 3a को देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना रहेगा, 3a रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू ये कॉस a माइनस 26। ओके इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, कैसे, साइन 3a है तो कॉस 90 माइनस, देखिए ये थीटा है तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे क्या a 3a, तो साइन 3a, तो साइन 3 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस कितना 26। ओके अब यहाँ से देखिए, नंबर वाले को एक साथ लाते हैं, ये 90 माइनस 26 आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा इक्वल टू a माइनस 3a, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 3a। आगे देखिए, तो 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 6, ये 9 और 2 11 हो जाएगा इक्वल टू 4a। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 116 अपॉन में 4, कैंसिल कीजिए 29 डिग्री। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा a इक्वल टू, लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल टू 29 डिग्री। तो बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर्स 11। देखिए दोस्तों, 11 नंबर एग्जांपल हम लोग ये दिया गया है, करेक्ट, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एंगल कितना है 85 डिग्री, यहाँ पर क्या है 75 डिग्री है, इसको हम लोग 0 और 45 के बीच में क्या करना, कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखिए गिवन लिखेंगे,
cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। ओके, इसको 0 और 45 बीच में कैसे चेंज करेंगे बताइए, ये हो जाए cot, इसको क्या ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 में से 5 इधर माइनस होगा तो 85 हो जाएगा प्लस, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 15 डिग्री, लिख सकते हैं ना 90 में से 15 इधर जाए 19 में से सॉरी 75 को 90 में से 15 जाए कितना है 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज सॉरी फॉर्मूला यूज करेंगे, दो फॉर्मूला देखिए cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पर याद रखिएगा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। ओके, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, इसी दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए cot 90 माइनस ये थीटा है, 90 माइनस के बाद जो होता है वो थीटा होता है, यहाँ पर थीटा कितना ही है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा, थीटा जब कितना है 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता है sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा, थीटा जब कितना 15 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये कन्वर्ट हो चुका है 0 और 45 डिग्री के बीच में, देखिए कितना 5 है और यहाँ पर कितना 15 है, तो 0 और 45 के बीच में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी दोस्तों डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, और ये मेरा पढ़ाने का दोस्तों तरीका आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।